ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट प्लेयर भी हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ओके, अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एल एन रकुया, और रोल की बात की जाए तो रशर लेवल 78 है, केडी 3.04 है, स्टेट्स राजस्थान है, बेस प्राइस 1000 है, तो कैप्टन स्पीडिंग स्टार्ट नाउ एल एन एस रकुया 2K KSU, 2K KSU, 4K जनरेशन 1, 4K जनरेशन 1, 5K KSU, 5K KSU, 6K जनरेशन 1, 6K जनरेशन 1, 7K KSU, 7K KSU, 8K जनरेशन 1, 8K जनरेशन 1, 9K KSU, 9K KSU, 10K एक्सेस पार्क, 10K एक्सेस पार्क, 10K एक्सेस पार्क, एक मिनट होल्ड रखना। हाँ, रे क्या नाम है, रेऑन एफएफ, हाँ आ सकते हो अभी भी, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके आना न्यू सब्सक्राइबर, ठीक है। 10K एक्सेस पार्क, टिक टिक वन, टिक टिक टू, 11K KSU स्पोर्ट्स, 11K KSU स्पोर्ट्स, 12K एक्सेस पार्क, 13 टीम नॉनसेंस जे, 14 एक्सेस पार्क, 14 एक्सेस पार्क, 15 नॉनसेंस जे, 15 नॉनसेंस जे, टिक टिक वन, 16 एक्सेस पार्क, 16 एक्सेस पार्क, 16 एक्सेस पार्क, टिक टिक वन, टिक टिक टू, एंड लास्ट चांस टिक टिक थ्री, और एल एन एस राकुया सोल टू एक्सेस पार्क इन 16 के नंबर टीम्स। बहुत नेक्स्ट लेवल खेली है भाई, सिक्स नंबर टीम्स, टीम एक्सेस पार्क, टीम एक्सेस पार्क एकदम नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करते हुए देखने को मिली है हमें, करते हुए देखते हुए मिली है, सॉरी रुको, या नेक्स्ट लेवल लॉर्ड ओडिशा, ओके बढ़िया, ओके रुक, यानी यहाँ पर चार किल निकाले हैं, चार ही किल टी एक्स एस डार्क ने निकाले हैं, तो फाइट है 3v2 की फाइट है, ओके यहाँ पर बहुत ओपी टीम एक्सेस पार्क ने पहला भैया अपने नाम किया और बढ़िया किल के साथ अपने नाम किया है भाई, नेक्स्ट लेवल, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि टीम एक्सेस पार्क इस तरीके का गेम प्ले करेगी, जब ऑक्शन में टीम क्रिएट हुई थी तो पता नहीं था कि ऐसा भी गेम प्ले करेगी ये टीम्स, बट बढ़िया किया है इन्होंने, एकदम नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, अकेले बचे हैं ये, ओके बचना इनका भी मुश्किल हो गया, दी एक्सेस पार्क यहाँ पर ओपी ने चैट ओपी मैच, बढ़िया खेल निकाले दी एक्सेस पार्क, अपनी पोजीशन गंवाना नहीं चाहते हैं दी एक्सेस पार्क मुझे लगता है, लेकिन एंड यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर टीम एक्सेस पार्क तीन पिल के साथ में अभी भी अलाइव है, रखो यहाँ पर बहुत ओपी, रखो या सामने वाले बंदे का इंतजार करें, जो ना आए और वो जैसे निकले उसे खेलें, मुझे लगता है पीछे से बंदे ना आ जाए इनके पास, और वो तो भागने में सफल रहे, इन्हें आप पीछे से बंदा आ चुका है, बढ़िया खेल, यहाँ पर एक बंदा और आ चुका है, ओपी वाली टीम वॉपर्ट कर दी है यहाँ पर, एस के जोकर अपनी टीम की तरफ से अकेले बचे हैं, एल एन एस रुक गया 5 किल के साथ में, यहाँ पर डैमेज पड़ चुका है थोड़ा, एक और किल करने वाले हैं लगता है मुझे, ओपी खेल रहे थे, ओके पीछे से फायर करके खेल दिए गए, ओके इनके टीम मेंबर्स नॉक हो गए, उसको रिवाइव भी देंगे, ओपी भाई
मस्त। लेकिन बंदा आज गए यहाँ पर गन की जगह तलवार थी हाथ में, जिसकी वजह से वो चले गए। जनरेशन ओपी को दिखाओ, जनरेशन वन ओपी को दिखाओ। दिखा रहा था जनरेशन वन पर ही चल रहा था। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अभी इस समय पे टीम एक्स स्पार्क और गुडू भैया अपनी टीम से अकेले बचे ओपी नॉक। और यहाँ पर टीम एक्स स्पार्क का एक बेहतरीन बोया नीड टीम राकोया। राकोया आज खेल रहा है क्या? लॉर्ड उड़ीसा में होगा शायद राकोया, है ना। ओपी भाई नेक्स्ट लेवल फाइट रही इस मैच की। पहला मैच था ऐसा लग रहा था बहुत मस्त जा रहा है, जैसे कि ये लास्ट का। टीम एक्सिस पार्क ने पिछली बार भुया किया था, इस बार भी दो प्लेयर के साथ लाइव है राकोया एंड गुरुदेव। गुरुदेव तो अच्छा खेलते हैं, राकोया का पता नहीं भाई कैसा खेलेंगे। गुरुदेव ने 5 किल निकाले, राकोया ने अभी तक 1 ही किल निकाला है। डैमेज दे रहे हैं लेकिन गुरुदेव नॉक हो गए हैं तो राकोया बचे हैं। और एक बॉट आर्मी की तरफ से भी सोलो प्लेयर बचे हैं, ये भी डैमेज खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोलो ही प्लेयर बचे हैं यहाँ पर अगरतला राइडर की तरफ से। भाई सोलो वर्सेस सोलो की फाइट है तीनों टीम के बीच में, तो देखते हैं तीन प्लेयर अलाइव हैं कौन सी टीम। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो रहा है, ये बीच में जो भी बंदा है भाई एक बार तो बनता है, कौन बनता है। ओके सक्षम, यहाँ पर इनके बीच थर्ड पार्टी हुआ था, दोनों तरफ से पहला जा रहा था इन्हें। लेकिन अभी देख लेते हैं वन वर्सेस वन की फाइट में। फाइट में कौन सी टीम बुया निकालती है? क्या यहाँ पर टीम एक्सिस पार्क फिर से बुया निकालेगी? सेकंड बुया, पहला बुया इनके ही नाम है, क्या सेकंड बुया निकाल पाएंगे रुकिया? या भाई यहाँ पर वेदांत ले जाएंगे। क्या लगता है गाइस कि कौन लेके जाएगा? ओके तो राकोया यहाँ पर ओपी इन द चैट ओपी मैच एलएनएस ओपी इन द चैट ओपी मैच। बढ़िया पहले पास वाले को ही पेल दिया। टीम एक्स स्पार्क और भाई यहाँ पर जनरेशन बन थोड़ा क्लियर डाउन हो चुके हैं, इनके दो प्लेयर डाउन हो गए हैं, तो दो प्लेयर के साथ में है जनरेशन बन। मुझे लगता है टीम एक्स या यहाँ पर कामयाब होंगे गुरुदेव। बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छे से डैमेज दिया है ओपी नेक्स्ट लेवल टीम एक्स स्पार्क। यहाँ पर जनरेशन बन भुया कर सकती थी, अच्छे प्लेयर थे उनके भी, मस्त खेला भाई गुरुदेव एक नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत अच्छा रशर है ये वैसे, अच्छा खेलता है। पर जो सामने था वो भी अच्छा खेलता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी वहां पर जोन से निकल आर्मी कोई टीम है इनके पास क्या है। टीम एक्स स्पार्क यहाँ पर 3-1-4 किल कर चुकी है राकोया, क्योंकि किल नहीं निकालते ज्यादातर, अक्सर मैं कम किल पर देखता हूँ, लेकिन आज ग्रैंड फाइनल में 3 किल कर चुके हैं। सामने वाले बंदे को नॉक कर लिया है, देखते हैं
टीम है भाई नीचे की साइड, बढ़िया टीम एक्सिस पार्क यहाँ पर बढ़िया फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेव कॉन्करर्स भी कम नहीं है भाई, दो बंदे इन्होंने भी गवा दिए, इम्पोस्टर आगे अकेले बचे हैं। ओपी भाई पूरी टीम फिनिश कर दी वहां पर, लेकिन खुद भी फिनिश, और टीम एक्सिस पार्क यहाँ पर एक बेहतरीन बोया फर्स्ट गेम से रिस्टार्ट करके नॉक निकाला है यहाँ पर, तो तीन नॉक हो गए, एक बंदा भागा था और वो भी फिनिश, तीज ही मिल रहे हैं। ओके यहाँ पर रखो या ओपी दो किल कर चुके हैं, शूटर दो किल कर चुके हैं, गुरुदेव ने इस बार किल नहीं निकाला है, टीज आउटलैंडर स्पोर्ट दो प्लेयर के साथ में, इनके प्लेयर्स ही एक्टिव नहीं है भाई, आउटलैंडर अच्छे से एक्टिव करना चाहिए था, ग्रैंड फाइनल इतना इजीली नहीं खेलना चाहिए था।